अद्विक, अद्विक अजी मम्मा बुला रही है आपको। दीदी, अद्विक देखो, दीदी ने आपको फ्रेंडशिप बैंड दिया ना, दिखाओ कैसे दिया। ओ हैप्पी फ्रेंडशिप डे माही दीदी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और अद्विक भैया ने दिया ना आपको, दिखाओ आपका, दिखाओ। लव फ्रेंड वाला है। अच्छा, ये क्या खा रहे हो? चॉकोस। कहाँ गिरा था? यहाँ अच्छा, ये भी खा लेता। अद्विक, अद्विक मेरा फ्रेंडशिप बैंड देखो, दीदी ने दिया मुझे ये सेम वाला जो आपने दीदी को दिया, वही है ना अर्जुन कल राखी है। अद्विक? मुझे खा रहे हो क्या? अद्विक जैसे वैसे खा रहा हूँ। अभी कल राखी है। हाँ अब कौन सा राखी बांधू मैं? हाँ वो तुम अपने पानी की चमकदार वो वाली डायमंड चमकदार। डायमंड चाहिए आपको? हाँ डायमंड। अच्छा लेकिन हमारी राखी खरीदना बाकी है। कल हाँ, लेंगे हम। क्योंकि लॉकडाउन है ना, 2 दिन अभी बंद है ना पूरा, राखी कितने की सैटरडे है? संडे बंद है, इसी वजह से अभी राखी के दिन ही लाना पड़ेगा। राखी पहले ही ले लेना चाहिए था यार, जाने दो, अब राखी के दिन लाएंगे। अद्विक सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलो। फ्रेंडशिप माही आप भी बोल दो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। एक्चुअली लंच हो गया है हमारा, और मैंने ना फेस वॉश किया है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई थी स्किन, इसी वजह से फेस वॉश किया है। और अब अप्लाई करने वाली हूँ एक फेस पैक अच्छा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन जो है, मतलब जो फेस बहुत ज़्यादा टैन हो गया है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टैन लग रहा है फेस, क्योंकि ना सुबह वॉकिंग के लिए जा रही हूँ, तो वॉकिंग से आने के टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। कभी कभी लेट हो जाता है, मतलब डेली नहीं होता है, बट कभी कभी लेट हो जाता है ना। और जो लेट वाली धूप होती है बहुत ज़्यादा, मतलब गंदी होती है हमारी स्किन के लिए, इसी वजह से बहुत ज़्यादा टैन हो रही है स्किन। और मैंने सोचा चलो अप्लाई कर लेती हूँ एक फेस पैक, क्योंकि कल राखी है, राखी की तैयारी करनी पड़ेगी कल, और कल मुझे फेस पैक वगैरह अप्लाई करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा मुझे टैन टैन लग रही है स्किन, तो मतलब नेक और इसमें फ़र्क देखो कितना लग रहा है, और हाथ भी बहुत ज़्यादा टैन हो गए हैं, खुले रहते हैं उतने हाथ टैन लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा फेस पैक अप्लाई करूँ, तो इसीलिए मैंने ना फेस वॉश कर लिया, क्योंकि ऑयली हो गई थी बहुत ज़्यादा स्किन। और खाना बनाया, आप लोगों को पता ही है कि मेरी कितनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्किन, जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो उसके बाद तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल ग्रीज करने लगती है। अभी अप्लाई करने ही वाली थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने खीरा लिया है, उसे कद्दूकस कर रही हूँ, और इसका हमें जूस निकालना है, मतलब खीरे का जूस निकालना है, इसीलिए ये कद्दूकस किया जा रहा है। और बस इसका कद्दूकस करने के बाद जूस निकालूंगी इस तरह से, फिर इस जूस को हमें यूज़ करना है फेस पैक बनाने के लिए। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे, उसके बीजे भी गिर गई थी तो इसी वजह से वो निकाल दी मैंने उसके बाद। और बस इस तरह से हम लोग लेमन जूस ऐड करने के बाद उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और मैं यहाँ पर ओरिजिन्स की मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ, और आप सभी को पता है कि मुझे ये मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इनके प्रोडक्ट्स मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये प्योर और नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब 100% नेचुरल होते हैं और प्योर होते हैं, तो इसीलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनके प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली है और 1 चम्मच ऑरेंज पिल पाउडर लिया है, और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे ये अच्छे से पेस्ट इसका नहीं बना था, तो इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड किया है। अगर आप चाहो तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा खीरे का जूस भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये रोज़ वाटर यूज़ किया है, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी और इसे अप्लाई करूँगी। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, अगर आपको उसे परचेस करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। एक्चुअली बहुत लोगों को ये वाली हेयर स्टाइल मेरी पसंद आ रही है, तो ये वाली हेयर स्टाइल मतलब कोई हेयर स्टाइल नहीं है। कोई बोल रहा था कि मुझे क्लिप कौन सी है वो बताओ, या क्या लगाते हो आप ये बताओ, ये कैसे हेयर स्टाइल बनाते हो, तो ये कुछ इस तरह का बेल्ट आता है, ये हेयर बैंड आता है, तो वही मैं लगाती हूँ। ये जिगजाग वाला हेयर बैंड बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, 10 रुपए का,
और आप लोगों को पता ही होगा ये वाला लगाती हूँ और इस तरह से ये हेयर स्टाइल मेरी बन जाती है। तो फ्रंट से कुछ इस तरह से आपको दिखती है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये हेयर स्टाइल कैसे बनाते हो, इसलिए मैंने सोचा आज बता ही देती हूँ आपको। तो ये फेस पैक मेरा रेडी हो चुका है और इसमें अप्लाई करूँगी अब। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाना फेस पैक और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेस पैक है ये, इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए या आपको बहुत ज़्यादा सनटैन हो गया है तो अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आपका सनटैन हट जाएगा। और ये पिंपल स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा फेस पैक है, मतलब जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स है फेस पे तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फेस पैक है, पिंपल्स पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये वाला फेस पैक, तो आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत जल्दी आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे, चुटकी में गायब हो जाएंगे। और आपको ये फेस पैक सिर्फ मतलब कंटिन्यू अप्लाई करना है 15 दिन तक, सिर्फ एक दिन छोड़ के भी आप अप्लाई कर सकते हो या डेली भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं हनी मिक्स कर दीजिए, बस हनी मिक्स करने से आपका जो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फेस पैक आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे आपका सन टैन भी हट जाता है, आपकी स्किन भी मतलब लाइट हो जाती है, फेयर दिखती है, मतलब इससे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, जैसे कि ऑयल क्रीज करती है आपकी स्किन या आपके ओपन पोर्स है वो भी इससे मिनिमाइज हो जाते हैं। इसका रिजल्ट आपको काफ़ी हद तक अच्छा दिखेगा, तो आप इसे अप्लाई ज़रूर करना। अगर आपकी ऑयली एंड पिम्पल स्किन है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये फेस पैक। और बस इस तरह से इसे अप्लाई कर लीजिए, ड्राई होने तक वेट करिए और उसके बाद इसे रिमूव कर दीजिए ठंडे पानी से, मतलब गुनगुना पानी यूज़ नहीं करना है आपको या गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ठंडे पानी से ही आपको ये फेस पैक वॉश कर लेना है। और वॉश करने के टाइम ना आपको क्या करना है, ये जब भी फेस पैक ड्राई हो जाता है उसके बाद आपको ये जो फेस पैक है थोड़ा सा पानी लेके आपको सर्कुलर मोशन में इससे मसाज करनी है ताकि आपका स्क्रब का काम ये करे और उसके बाद आपकी डेड स्किन भी निकल जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा कोमल सॉफ्ट हो जाएगी। और वैसे भी ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना इतनी ज़्यादा मुझे पसंद आई है कि आपको क्या बताऊँ, मतलब इसको मैं अभी लगाना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मुल्तानी मिट्टी इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है आपकी स्किन को कि जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, मतलब जब आप इसको अप्लाई करना रेगुलर स्टार्ट करोगे तो आपको फर्क ऑटोमेटिकली दिखाई देगा और आपको सच में पता चलेगा। आप जैसे आप फेस वॉश वगैरह करने जाते हो आपकी स्किन आपके हाथों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगेगी, आपको खुद ही रिजल्ट पता चलेगा इससे। ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये प्रोडक्ट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फेस पैक आपके साथ हमेशा शेयर इसीलिए करती रहती हूँ कि आपको मतलब आप निकाल पाओ टाइम आपके खुद के लिए और आप भी थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर पाओ, तो इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ फेस पैक शेयर कर देती हूँ। क्योंकि आप अगर मुझे देखोगे, मुझे करते हुए देखोगे, आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी अप्लाई करना चाहिए फेस पैक कुछ, तो आप भी अप्लाई करोगे कि आपको भी थोड़ा सा लगे कि हम भी खुद के लिए कुछ करें, तो इसीलिए मैं हमेशा फेस पैक अप्लाई करती हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी जो बचा हुआ फेस पैक है मैं सोच रही हूँ कि अपने हाथों पर भी अप्लाई कर लूँ ताकि मेरे हाथ जो टैन हो गए हैं वो भी इससे अच्छे से मतलब थोड़े से फेयर दिखे। और कल टाइम नहीं मिलेगा इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि रात को भी थोड़ा सा फिर हो जाता है, कभी कभी कामों में हम लोग बिजी हो जाते हैं तो फिर टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब भी टाइम मिल जाता है तो कुछ ना कुछ अपने लिए कर पाऊँ। तो सभी बच्चे सोने वाले हैं तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी शांति है घर में तो फेस पैक अप्लाई कर लेती हूँ। और थोड़ी देर अभी ड्राई होने के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद अभी रिमूव करूँगी ये और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो बस इसे अप्लाई कर लूँगी ऐसे हाथों पे भी। और यहाँ पर ये जो फ्रेंडशिप बैंड है माही ने बांधा है मुझे, तो बांधा मीन्स पहनाया है, तो ये है वो रबर वाला। और बच्चे थोड़ा सा हो जाते हैं ना, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करने लगते हैं, जैसे कि माही ने वो भी किया था उसके पापा के लिए फादर्स डे पे केक बनाया था, अभी फ्रेंडशिप बैंड उसके पापा को भी पहनाया, मुझे भी पहनाया, तो बच्चे ही हमारे फ्रेंड बन जाते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो चलिए अभी फेस पैक तो अप्लाई हो गया है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है इसकी, डाइनिंग टेबल पर रखा है इस वजह से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है इसके। तो चलिए अभी फेस पैक तो अप्लाई हो चुका है, इसके ड्राई होने का वेट करती हूँ और उसके बाद इसे रिमूव करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका और आप भी बाद में देख ही लोगे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। एक्चुअली आज मैंने ये घी बनाया है और इतना सारा निकला है आप देख सकते हो, ये ठंडा होने के लिए इसमें छान के रखा था मैंने और बहुत अच्छा घी बना है।
काफ़ी ज़्यादा निकला है। ये 8 दिन की मलाई थी बची हुई, तो 8 दिन की मलाई से इतना ज़्यादा घी निकला है। मतलब ये आधा किलो तो होगा ही, आधा किलो से ज़्यादा होगा। ये आधा के जी की गोवर्धन की बरनी है, इसमें डालती हूँ और देखती हूँ ये आधा के जी है या आधा के जी से ज़्यादा है। देखिए आधा के जी से ज़्यादा है। मतलब ये बरनी फूल नहीं आती है, तो ये इतना सारा बच गया है, पूरा डाल दिया है मैंने। अभी से बंद करके रख देती हूँ। और हाथों की टैनिंग निकल चुकी है, फेस पैक वॉश कर लिया है मैंने, हाथों की टैनिंग काफ़ी हद तक हट गई है। और ये इन्होंने गुलाब जामुन का पैकेट लाया था, ये चितड़ी का आधा के जी का, और ये है फूड कलर्स। ये आधा के जी का नहीं है, 400 ग्राम का ही पैकेट है, चितड़ी का पैकेट लाया है। और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये चितड़ी का, काफ़ी अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं इसके। अगर टाइम मिला तो मैं शाम को ही गुलाब जामुन बना के रखूँगी, ताकि मेरी कल ज़्यादा भाग दौड़ ना हो। एक्चुअली आज का डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि ये बना रहे हैं डिनर, तो राजमा चावल बनने वाला है आज डिनर में। और चावल तो मैंने बना दिया है, जीरा राइस मैंने बना दिया है, और यहाँ पर ये राजमा बनाने वाले हैं। तो कभी कभी इनके हाथों से भी खाने का मन करता है मेरा, तो इसलिए मैं कभी कभी बोल देती हूँ इन्हें कि आप बनाओ, और उनके हाथों से बना हुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है मुझे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि राजमा वॉश कर लिया था, दो बार वॉश कर लिया था राजमा, और ये राजमा मैंने सुबह ही भिगो के रखा था, तो उन्होंने वो दो बार वॉश कर लिया है। उसके बाद उसमें ना ऐड किया है तेज़पत्ता, दो तेज़पत्ता ऐड किया है, और इलायची ऐड की है, और थोड़ी सी दालचीनी ऐड की है, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और वो विसल लगा लेंगे उसे। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, तो कढ़ाई में इन्होंने ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाने के बाद वो ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा जीरा। तो मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा पहले गर्म कर लेना है, और उसके बाद जीरा ऐड करना है। तो बस जीरा ऐड कर देने के बाद वहाँ पर उन्होंने ना प्याज और टोमेटो काट के रखे हैं। हमें ज़्यादा बारीक कटा हुआ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर लंबा लंबा कटा हुआ प्याज चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बड़ा बड़ा सा लंबा लंबा सा कटा हुआ प्याज लिया है, और वो अच्छे से भून लेंगे। और इसे ज़्यादा भुनना नहीं है हमें, मतलब इसका पेस्ट ही बनाना है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा भुनना नहीं है। मतलब इसका ट्रांसपेरेंट कलर हो जाए तब तक भुनना है, मतलब ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे नहीं भुनना है हमें। और उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो भी अच्छे से भून लेना है, मतलब ताकि उसकी कच्ची स्मेल चली जाए तब तक इसे भून लेना है हमें, मतलब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी। और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे टोमेटो। यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स कर दी है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा टोमेटो गलने के लिए उसमें ऐड करेंगे हम लोग नमक। उसके बाद थोड़ी देर ढक्कन रख के इसे पका लेना है, ताकि हमारे टोमेटो गल जाए। और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए वेट करना है, ठंडा होने देना है। और उसके बाद ठंडा होने के बाद हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो बस इसका पेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद हमें राजमा के ग्रेवी की तैयारी करनी है। ग्रेवी बनाने के लिए उन्होंने उसी पैन में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, और मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, और उसके बाद वो ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो आप ऐड कर सकते हो, ताकि उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से। और उसके बाद ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें उसमें मसाला ऐड करने हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर तो हमने पहले ही ऐड कर दी है, और फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है आपको, ताकि इसका तेल छोड़ने तक हमें अच्छे से भून लेना है, और ये मसाला तेल छोड़ने लगे, और कम आंच में इसे भूनना है, मतलब फ्लेम पे, कम फ्लेम पे, मतलब मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है आपको, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है। हाई फ्लेम पे अगर भूनोगे तो वो जल जाएगा मसाला, और अगर आप मीडियम फ्लेम पे भूनोगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मीडियम फ्लेम पे आपको इसे भूनना है, बहुत देर तक भूनना है, ताकि आपका जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगे, और अच्छे से भून लेना है इसको। उसके बाद आपको उसे ढक्कन रख के थोड़ी देर पका लेना है। और ये जो मसाला है अच्छे से भून चुका है, थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से और ऐड कर दिया है, और अच्छे से भून लेना है। फिर जो हमने मसाला बना के रखा है इसमें राजमा हमें ऐड करना है। तो राजमा ये बॉईल हो गया था, तो इसमें इन्होंने एक हरी मिर्च काट के डाल दी है, और उसको इन्होंने पूरा उसमें डाल दिया है।
बस ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर ढक्कन रख के पका लेंगे। इसी में मतलब जो मसाला है उसी में पका लेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पहले मसाले में ही पका लेना है, मतलब जो हमने राजमा बनाया है, मतलब राजमा हमने जो बॉईल किया है वो पहले मसाले में ही पका लेना है ताकि उसके अंदर मसाला चला जाए पूरा। और उसके बाद उसमें पानी ऐड करना है और पानी आपको गर्म ऐड करना है उसमें। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन रख के थोड़ी देर और पका लेना है तो आपका राजमा रेडी हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दीजिए और बस आपका राजमा खाने के लिए रेडी है। तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हो, कुलचे के साथ भी खा सकते हो और आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने राइस बनाए थे तो राजमा चावल बनाए हैं आज। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज का डिनर बना था। यहाँ पर जीरा राइस है, राजमा है और थोड़ा सा अनियन और टोमेटो का सैलेड है और उसके बाद अचार लिया है और पापड़ है। तो ये है हमारा टेस्टी वाला डिनर आज का। आप भी आ जाइए डिनर करने। एक्चुअली डिनर करने के बाद ना मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, तो गुलाब जामुन यहाँ पर चाशनी से निकाल के रखे हैं मैंने। और अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, तो चाशनी से निकाल के रखे हैं, रात के 10 बजे हैं। बट मैंने सोचा अभी नहीं बनाऊंगी तो फिर कल और भाग दौड़ हो जाएंगे, इसीलिए मैंने अभी बना लिए। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर बने हैं, तो ये मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। पहले ये चाशनी सोक करने के, इसीलिए यहाँ पर ये चाशनी में डाले हुए हैं और ये चाशनी से निकाले हुए हैं। एक्चुअली चाशनी बहुत कम बनाई थी तो इसीलिए ये इस तरह से किए हैं, क्योंकि चाशनी के साथ ना कोई खाता नहीं है, फिर चाशनी वेस्ट हो जाती है, इसीलिए मैं चाशनी ना पहले ही कम बनाती हूँ, तो ये चाशनी से निकाल के रखती हूँ। तो ये वैसे ही किया है, मतलब जैसे जैसे ये होते गए वैसे वैसे वो चाशनी से निकालती गई और प्लेट में रखती गई, तो ये वैसे किया है। और चलिए अभी बहुत लेट हो गया, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और टेस्ट तो अभी कल पता चलेगा इस तरह से बने हैं, बट अच्छे ही बने होंगे, देखने से तो अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करो। और इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।